नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल में तंबाकू दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मादक पदार्थों से बचने की अपील की गई। वहीं इस दौरान जागरूकता रैली निकाली गई, साथ ही तंबाकू से होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। बच्चों को तंबाकू युक्त पदार्थों से बचने के बारे में बताया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर खासकर बच्चों को तंबाकू से दूर रहने की सलाह दी गई। बच्चों के टोबैको से होने वाले जानलेवा कारणों को बताया जा रहा है। तमाम जगह जगह जाकर इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। संदेश साफ है, न तंबाकू का इस्तेमाल करें और न ही दूसरों को इस जहर को खाने दें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने बताया कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर भोपाल में जागरूकता रैली निकाली जा रही है और उसी में यही संदेश दिया गया है कि तंबाकू खाने से कई बीमारियां होती है, हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। रैली में पूर्व सांसद आलोक संजर भी पहुंचे थे। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। And out of which 80% of 1.3 billion tobacco users worldwide live in a low and a middle income family. That means कि आज हमारे यहाँ तंबाकू से ग्रसित ज्यादातर middle class family और नीचे वर्ग के लोग हैं। तो क्या आप लोगों को ये justify लगता है कि हर वर्ष इतने तंबाकू खाने की वजह से इतने सारे लोग ग्रसित हो रहे हैं? तो क्या आज हम ये प्रण नहीं ले सकते कि हम इसको रोकने में अपना योगदान देंगे? First मई को जो एंटी टोबैको वर्ल्ड एंटी टोबैको डे होता है, उसमें एक अभियान चालू किया जा रहा है। इस साल की थीम है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, एडोलसेंट्स होते हैं, उनमें टोबैको का यूसेज को कम करना है। तो इसी के लिए अब हम एक अवेयरनेस कैंपेन चालू किया जा रहा है और इसमें इसी के तहत अलग अलग हम जो OPDs होती है हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर भी अर्ली डिटेक्शन के ऊपर ध्यान देंगे और अलग अलग शहर के अलग अलग फोरम्स पे ये ध्यान दिया जाएगा कि बच्चों में ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि टोबैको का जो सेवन है वो जानलेवा हो सकता है। भोपाल में वैसे भी जो कैंसर के टोबैको रिलेटेड इंस्टेंसेस हैं वो बहुत हाई हैं, तो इसको कम करने के लिए और ओवरऑल बच्चों में टोबैको के यूसेज को कम करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चालू किया जा रहा है आज के दिन से। अभी शुरुआत की जा रही है, डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। अब हम हल्के हल्के करके इसमें NGOs को जोड़ देंगे और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको भी जोड़ा जाएगा ताकि ये एक सक्सेसफुल कैंपेन हो सके। शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? शहरवासियों को और देशवासियों को यही संदेश है कि टोबैको की जो सेवन है वो अपने स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है, जिसका हमें शुरुआत में समझ नहीं आता है, पर जैसे जैसे तंबाकू का सेवन बढ़ता है और हम इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो वो स्वयं के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए बड़ा दयनीय स्थिति उत्पन्न करता है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए और कैंसर सबको पता है एक जानलेवा बीमारी है, तो यदि टंबाकू से कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं तो हमको सबसे पहले आज टोबैको डे के एंटी टोबैको डे के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमको टोबैको का सेवन जो करते हैं वो उनको रोक देना चाहिए और बाकियों को भी जो नहीं करते हैं उनको भी, उन लोगों के साथ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमको बनाना चाहिए, एक अवेयरनेस हमें भी अपने साथियों को देना चाहिए कि टोबैको का सेवन नहीं किया जाए और कोई नया व्यक्ति टोबैको का सेवन ना करे, ऐसी हमारी मंशा रहनी चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि हर 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है और ये टोबैको से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन पूरी दुनिया में तंबाकू से होने वाले नुकसान की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि तंबाकू शरीर के लगभग हर हिस्से को नुकसान पहुंचाता है और तंबाकू चाहे तो वो चबाने के फॉर्म पे हो, चाहे वो धूम्रपान के तौर पर हो, वो शरीर पर कोई दुष्प्रभाव दुष्प्रभाव डालता है। जहां तक बात तंबाकू चबाने की, आप जानते हैं कि भोपाल में काफ़ी संख्या में लोग सिर्फ तंबाकू चबाने के कारण मुंह के कैंसर से पीड़ित हुए हैं। इसी तरह से स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लंग कैंसर और मुँह का कैंसर सामान्य लोगों के मुकाबले तंबाकू चबाने वाले या तंबाकू के उपयोग करने वाले लोगों में 5 से 7 गुना तक अधिक पाया जाता है। तो इसके माध्यम से आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम हम पूरे भोपाल ज़िले में आयोजित कर रहे हैं, उसी तारतम्य में ये एक स्किट या नाट्य प्रस्तुति कलेक्ट्रेट में दी जा रही है। इसके अलावा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और रैलियों का आयोजन जगह जगह पर किया जा रहा है।
हमारी जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वहाँ पर ओरल कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं और साथ में लोगों को लोग तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसे कि इस साल की थीम है बच्चों को तंबाकू उद्योग के दुष्प्रभावों के बारे में बताने के लिए, उससे उनको बचाने के लिए, तो उसकी तरफ हम काम करके बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि हम खुद भी तंबाकू के दुष्प्रभावों को समझें और अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को, अपने दूसरे साथियों को इससे बचाने का प्रयास करें। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।